नमस्ते, वेलकम टू आवर चैनल। आज मैं आपको ये ब्यूटीफुल सी जो मैंने ये एंकल लेंथ की प्लाजो पैंट बनाई है, तो आज मैं आपको इसी का फुल ट्यूटोरियल बताऊंगी। सो गाइस, लेट गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हमने ये जो फैब्रिक लिया है वो क्रेप का है ये, तो इससे से आपको फैब्रिक ले लेना है। आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा फैब्रिक ले सकते हैं, आप चाहें तो 1.5 मीटर में भी आराम से प्लाजो पैंट की कटिंग कर सकते हैं। ये मेरा 1.5 मीटर का फैब्रिक है, तो देखिए इससे से फैब्रिक हमने ले रखा है, ये 4 लेयर है ये, इसको हमें सिर्फ डबल लेयर करनी है ये, क्योंकि सिंगल सिंगल हमें निकालना है। तो इसके लिए तो सबसे पहले हमने बीच में से इसको फैब्रिक को इस तरह से फोल्ड कर लिया है। फोल्ड करने के बाद देखिए सबसे पहले हमने क्या करना है, ऊपर साइड से हमें यहाँ साइड से जो ओपन साइड है वहाँ से हमें 2 इंच फैब्रिक छोड़ देना, जो कि हमारी बेल्ट के लिए होगा। तो 2 इंच पर हमने इस तरह से रख के यहाँ पर निशान लगा लेंगे इस तरीके से। ये जो मैं 2 इंच रख रही हूँ, आप चाहे तो आपकी जितनी भी इलास्टिक है, इलास्टिक की चौड़ाई है उसके हिसाब से आप रख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे 1 इंच इलास्टिक लगाऊंगी, जिसमें 1/2 इंच मेरा सिलाई में चला जाएगा, तो इसलिए मैंने 2 इंच एक्स्ट्रा लिए फैब्रिक को। तो देखिए इस तरीके से हमने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है। देखिए मैंने एक लाइन ड्रॉ कर ली, इस तरीके से एक सीधी लाइन हम खींच लेंगे। इसके बाद हमें जो है इसके का मेजरमेंट लेना है। तो सबसे पहले हमें इसकी लंबाई लेनी है, जो आपको अगर आपको जितनी बड़ी आपको पैंट बनानी हो, मुझे एंकल लेंथ बनानी है, तो मैं एंकल लेंथ में जितनी मुझे चाहिए, मैं तो 35 है, तो 35 में 1 इंच में प्लस करूँगी, जो कि हमारा 1/2 इंच सिलाई में चला जाएगा और नीचे साइड मोड़ने में भी काम आएगा। तो वहाँ पे मैं इसलिए मैं यहाँ से 35 में 1 इंच हमने प्लस करना है, तो 36 इंच आएगा। आप अगर चाहें तो एंकल लेंथ की जगह आप फुल लेंथ भी इसकी ले सकते हैं, बस उस फुल लेंथ में भी अगर आप चाहें तो 1 इंच या 2 इंच प्लस कर सकते हैं। अगर आपको नीचे का बॉटम ज़्यादा रखना हो तो आप 2 इंच तक रख सकते हैं। तो देखिए मैंने 36 इंच रख के इस तरह से एक सीधी लाइन हमें ड्रॉ कर लेनी है। तो देखिए इस तरीके से मैंने एक सीधी लाइन ड्रॉ कर ली है। इसके बाद हमें जो है ऊपर से हम निशान लगाएंगे इसका, तो जो हमें हिप का निशान लगाना है, तो हिप का 4 प्लस 1 इंच रखेंगे हम इसमें लूजिंग, 1 इंच या 1.5 इंच, तो मैं 1.5 इंच रख रही हूँ, आपको अपने हिसाब से रखना है। आपका जितना भी हो उसको 4 से डिवाइड करिए, फिर उसमें 1.5 इंच प्लस कर दीजिए, तो मेरा यहाँ पे आ रहा है 10.5 इंच। तो 10.5 इंच पे मैं इस तरीके से निशान लगा लूँगी, और सेम ऐसे ही हमें हिप, फिर इधर से जो हमारा क्रॉच एरिया है उधर के लिए हमें हिप का 4 प्लस 2 इंच रखने हैं। आपका जितना भी हो आप रख सकते हैं उस हिसाब से। तो देखिए मैंने इस तरीके से निशान लगा लिया। ऊपर साइड मैंने 10.5 लिया था, तो यहाँ पे भी मैं चेक कर लूँगी, तो 10.5 इंच कर लेना है। यहाँ पे इस तरीके से हमें सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो देखिए इस तरीके से हमने एक सीधी लाइन से ड्रॉ कर लेनी है, ये मैंने सीधी लाइन ड्रॉ कर ली है। अब हमें यहाँ पर 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है, ये जो निशान हमने लगाया था, क्योंकि हमें क्रॉच का निशान जो बनाना है इसके लिए, तो 2 इंच हमने यहाँ पर निशान लगाने लेंगे। देखिए इस तरीके से ये मैंने निशान लगा लिया। अब इसमें थोड़ा सा हम कर्व शेप दे देंगे, ज़्यादा राउंड नहीं देना है, बहुत हल्का सा देना है। तो देखिए इस तरीके से हमने शेप दे दिया। अब इसके बाद हमें इसका मिड निकालना है, जो हमने कर्व दिया है वहाँ से लेके वहाँ तक हमें इसका मिड निकालना है, तो 6.2 समथिंग आएगा। तो देखिए इस तरह से हमने इसका मिड निकाल लेना है। मिड निकालने के बाद ये देखिए इस तरीके से मैंने इसका मिड निकाल लिया है। आप किसी भी नाप का अगर पैंट बना रहे हैं तो आपको इसी तरीके से सेम करना है, आपको मिड निकालना है। फिर मिड निकालने के बाद आपको इसका जो बॉटम है वहाँ पे जो हमने निशान लगाया था, तो मेरा 6.2 आया था, तो वहाँ पे हमें 6.2 पे निशान लगा लेना है। और जो हमें बॉटम की यहाँ पे देखिए, हम इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, स्ट्रेट लाइन, तो मैं एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लूँगी इस तरीके से। आप चाहे तो स्केल की हेल्प से एक सीधी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, मैं मेजरिंग टेप से ही सीधी लाइन ड्रॉ कर रही हूँ। देखिए इस तरीके से ये मैंने सीधी लाइन ड्रॉ कर ली है। मैं यहाँ से ये जो था यहाँ पे मैं एक बिल्कुल बराबर से रख के, हमें जो इसका घेर चाहिए वो मुझे 12 इंच चाहिए, तो 12 इंच का हुआ 6 इंच। 6 इंच को हमें डिवाइड करना है दोनों साइड पे, तो 3-3 इंच पे हमें निशान लगाना है। आपका जितना भी घेर रखना हो अपने बॉटम का, उसके हिसाब से आप निशान लगा सकते हैं। तो मैंने 3-3 इंच पर रखा है, तो देखिए इस तरीके से हो गया। इसके बाद यहाँ पे मैं पहले चेक कर लेती हूँ, तो यहाँ पे भी हमें 11.5 इंच रखना है, और हमें एक बॉक्स बना लेना है इस तरीके से। तो देखिए इस तरीके से हमने एक बॉक्स बना लिया, ये बिल्कुल मैंने 1/2 करके बनाया था, तो एक बॉक्स बना लेना है।
फिर उसके बाद इतना होने के बाद हमें इसमें शेप देना है। तो मैं इसमें फ्री हैंड शेप दूंगी, आप चाहे तो अगर आपके पास लेग शेपर है तो आप उसकी हेल्प से आप शेप दे सकते हैं। मैं इसमें फ्री हैंड ही शेप दूंगी, तो ये भी बहुत इजी तरीके से हो जाता है। अगर आप चाहे तो तिरछी लाइन भी मिला सकते हैं। यहाँ देखिए 3 इंच हम रख लेंगे, फिर हमें इस तरीके से बिल्कुल फ्री हैंड ही इसमें शेप दे देना है इस तरीके से। तो देखिए इधर साइड से मैंने शेप दे दिया, इसका जो पीछे साइड पर है इधर साइड पर भी हमें सेम ऐसा ही शेप दे देना है। ये देखिए इस तरीके से मैंने शेप दे दिया। तो इस तरीके से हम अब बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से आप इसमें शेप दे सकते हैं। आपको लेग शेपर की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप फ्री हैंड भी इस तरीके से शेप दे सकते हैं। देखिए इस तरीके से मैंने शेप दे दिया है, इसमें मैं लेग शेपर की ज़रूरत नहीं पड़ी, मैं फ्री हैंड इसमें मैंने शेप दिया है। तो अगर आपके पास लेग शेपर नहीं है तो आप इस तरीके से फ्री हैंड भी इसमें शेप दे सकते हैं। ये भी बहुत परफेक्ट आता है, इस तरीके से आप शेप दोगे। बस नीचे का जो बॉटम है वहाँ से बराबर से रखना है, फिर थोड़ा सा ऊपर जाके कर्व देना है, बस और कुछ नहीं करना हमें। तो देखिए इस तरीके से मैंने इसकी शेप दे दी है, अब हमें इसकी कटिंग करनी है। तो जैसे निशान हमने लगाया है बस उस पर ही हमें इसकी कटिंग करनी है। एक्स्ट्रा मार्जिन वगैरह हमें कुछ नहीं लेना है क्योंकि हमने इसमें ऑलरेडी ले रखा है। और ये पैंट स्टाइल है तो इसमें हमें एक्स्ट्रा लूजिंग भी नहीं रखनी होती है, तो इसके लिए मुझे इस तरीके से होने के बाद इसकी हमें कटिंग कर लेनी है। तो ये मेरा सिर्फ अभी फ्रंट पार्ट की मैं कटिंग कर रही हूँ, इसमें दोनों पीसेस की कटिंग अलग अलग होती है। तो इसके लिए देखिए इस तरीके से ये हमने क्रॉच एरिया के साइड पे भी हमने जो कर्व शेप दिया था वहाँ से रखते हुए हमें नीचे तक पूरा कट कर लेना है। तो इसको हम बहुत आसानी से कट कर लेंगे और इसमें जल्दबाजी नहीं करनी है, वरना आपका फैब्रिक जो है एक्स्ट्रा कट सकता है और शेप जो है ख़राब हो सकती है। तो इसके अकॉर्डिंग हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। ये देखिए मैंने कटिंग कर ली है इसकी, देखिए कटिंग होने के बाद ये कुछ इस तरीके से नज़र आएगा ये। तो देखिए इस तरीके से मैंने ये फ्रंट पार्ट की कटिंग कर ली है। सेम ऐसे ही हमें जो हमारा बैक वाला पार्ट है उसकी कटिंग करनी है। तो जो बैक वाला पार्ट होता है उसको हमने जो साइड में जो फैब्रिक बचा हुआ है उधर से हम निकालेंगे इसको। तो जो इसके बेल्ट साइड पर है, बेल्ट साइड पर हमें 2 इंच एक्स्ट्रा छोड़ना है, क्योंकि हमें जो हमारा बैक वाला पार्ट होता है वो हमेशा फ्रंट वाले पार्ट से ज़्यादा ही रहता है। तो इसके लिए हमें 2 इंच के लगभग फैब्रिक को ऊपर हमें इस तरीके से छोड़ देना है और इसको हम अच्छे से जमा लेंगे, पहले अच्छे से रख लेंगे इसको। तो देखिए इस तरीके से मैंने मिला दिया है, 2 इंच के लगभग मैंने फैब्रिक ऊपर छोड़ रखा है। ये थोड़ा सा रेड ज़्यादा हो गया है तो समझ में नहीं आ रहा होगा आपको, तो सॉरी। तो इस तरह से देखिए इस तरीके से मैंने इसको अच्छे से जमा दिया है। इसको मैंने पिनअप करके रखा हुआ था ताकि जब मैं इसे कट कर रही थी तो स्लिप कर रहा था, इसलिए मैंने पिनअप कर लिया था। देखिए ये जो हमने निशान लगाया है वहाँ से हम ये पूरा बराबर से मिला के रख लेंगे और इसके अकॉर्डिंग ही देखिए ऊपर साइड पे हमें 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है, क्योंकि हमने जो बनाया है वो 2 इंच है। तो इस तरीके से हमने ये सीधा रखने के बाद हमें इस तरीके से निशान लगा देना है, जैसा कि आप ये देख सकते हो। तो देखिए इस तरीके से मैंने निशान लगा दिया, यहाँ साइड से हमें जो ऊपर का साइड है वहाँ पर हमें यहाँ साइड से हम 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे जो कि क्रॉच के लिए हम बनाएंगे। तो 2 इंच पर लेके हमें इस तरीके से एक हल्का सा राउंड शेप देना है क्रॉच के लिए। देखिए इस तरीके से हो गया। अब हमें क्या करना है, इसके साइड से 2-2 इंच पे हमें मार्जिन लेना है इस तरीके से। आप 2-2 इंच लीजिए या शायद 1.5 इंच, इससे ज़्यादा इससे कम मत लीजिएगा। तो देखिए इस तरीके से हमने 2-2 इंच पर रखते हुए इस तरीके से इसके चारों तरफ पर निशान लगा दिया है। इसके बाद इसका जो बॉटम है वहाँ पे भी हमें 2 इंच के तरफ ले जाना है। एक्स्ट्रा हमें कुछ भी नहीं लेना, सिर्फ हमें इसके क्रॉच की साइड पे हमें फैब्रिक ज़्यादा लेना है, मार्जिन लेना है, और इसके बैक साइड पे हमें कुछ भी नहीं करना, जैसे है वैसे ही हमें रख के इसको निशान लगा लेना है। तो देखिए इस तरीके से हमें जितना है उतने भी हमें रख के इस तरह से निशान लगा देंगे। इसके बाद आप चाहे तो इसे पिनअप कर लीजिए, तो ये खिसकेगा नहीं आपका जो फैब्रिक है। तो देखिए इस तरीके से मैंने इसे अच्छे से निशान लगा दिया है। ऊपर साइड पे आपको एक बात ध्यान देनी है, ये जो ऊपर साइड पे यहाँ पे हमें 2 इंच ऊपर एक एक्स्ट्रा निशान लगाना है सीधा, और ये जो यहाँ पे था वहाँ से हमें तिरछी लाइन मिला देनी है। तो देखिए इस तरीके से हो गया, हम यहाँ पर तिरछी लाइन मिला देंगे। तो देखिए इस तरीके से मैंने तिरछी लाइन ड्रॉ कर ली है, ये थोड़ा कम दिख रहा है तो इसमें थोड़ा डार्क कर देती हूँ ताकि आपको समझ में आए। तो देखिए इस तरीके से हो गया, ये जो हमारा फ्रंट पार्ट है उसको हम हटा देंगे। इसके बाद की कटिंग हमें
जो हमारा बैक पार्ट है उस पर रख के कटिंग करनी है इसकी, और हमें कुछ भी नहीं करना। तो मैं आपको कट करके दिखा देती हूँ। ये एंकल लेंथ प्लाजो पैंट की कटिंग बहुत ईजी तरीके से होती है, इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं होती है। और भी वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपको मेरी अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे और आप मेरी वीडियो सबसे पहले देख सके। और वीडियो से रिलेटेड अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ मुझे आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, मैं उसके रिप्लाई आपको ज़रूर दे दूँगी। और देखिए इस तरीके से ये मैंने इसकी कटिंग कर ली है। यहाँ साइड से भी जो हमारा बॉटम के साइड पर है उधर साइड पर भी रखते हुए हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। देखिए मैंने कटिंग कर लिया है। इसको मैंने पिन अप करके रखा हुआ था क्योंकि ये मेरा फैब्रिक जो है स्लिप कर रहा था। ये हमारा बैक पार्ट है। फ्रंट पार्ट को भी मैं दिखा देती हूँ आपको। ये मेरा फ्रंट पार्ट है, तो इसके जो क्रॉच एरिया है, जो इसका जो आसन साइड है, उधर हमें सिलाई लगानी है। और इसमें हमें कुछ भी नहीं करना, ये बहुत आसानी से इसमें सिलाई लग जाती है। देखिए क्योंकि मैंने इसकी कटिंग कर ली है, ये मेरा फ्रंट पार्ट है और नीचे वाला जो पार्ट है वो बैक पार्ट था हमारा। तो देखिए इस तरीके से मैंने इसकी कटिंग कर ली है पूरी तरीके से। अब मुझे है इसमें सिलाई करनी है। तो सबसे पहले जो हमारा क्रॉच एरिया है उधर साइड की हमें सिलाई करनी है दोनों पीसेस की अलग अलग। देख सकते हैं मेरा फ्रंट और बैक दोनों पार्ट मैंने साथ में रख रखे हैं। तो देखिए इस तरीके से होने के बाद हमें इसमें सिलाई लगानी है। तो जो क्रॉच एरिया को क्रॉच एरिया से मिला के हमें सिलाई लगानी है, हाफ इंच का गैप देते हुए हमें इसमें सिलाई लगा लेंगे। तो मेरा जो फ्रंट और बैक दोनों पार्ट था उसके क्रॉच एरिया में हमें सिलाई करनी है। तो इसको बराबर से रखते हुए हमें इसमें सिलाई लगा लेंगे। देखिए इस तरीके से मैंने कटिंग कर रखी थी, बिल्कुल बराबर से मिला के रखना है और इसके क्रॉच को क्रॉच के मिला के सिलाई कर लेंगे। तो मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए हाफ इंच का गैप देते हुए हमें इसमें सिलाई लगा लेनी है। बहुत ईजी तरीके से इसमें सिलाई लग जाती है। देखिए हो चुका। एक और बस के ऊपर हमें सिलाई लगा लेंगे ताकि ये फिक्स हो जाए। इसके बाद इसके साइड में हमें वो कर लेना है पीको। तो देखिए मैंने दोनों साइड पे कर लिया है। इसे जो है एक्स्ट्रा फैब्रिक है जो नहीं निकलेगा और फिक्स हो जाएगा ये। तो देखिए मैंने क्रॉच एरिया में सिलाई लगा दी है। सिलाई लगने के बाद ये कुछ इस तरीके से नज़र आएगा। तो देखिए इस तरीके से ये मेरा बैक वाला पार्ट था, इसमें सिलाई लगा लिया है। और जो फ्रंट पार्ट है उसमें भी मैंने सिलाई लगा दी है। अब मुझे इसके एक के साथ एक रख के अटैच करना है इन दोनों पीसेस को। तो देखिए सिलाई लगने के बाद ये कुछ इस तरीके से नज़र आएगा। तो सीधे को सीधे के ऊपर रखना है और इसमें हमें सिलाई लगा लेनी है। तो देखिए सीधे को सीधे मिला के रखा इस तरीके से, और ये जो है यहाँ से हम दोनों किनारे पकड़ के सिलाई लगा देंगे। तो मैं आपको इसमें सिलाई लगा के दिखाऊंगी। पहले हम इसे अच्छे से एडजस्ट कर लेंगे। अगर आप बिगनर हैं तो प्लीज़ पहले इसे कच्चा कर लीजिए, फिर उसके बाद आप इसमें सिलाई लगा सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से रखा मैंने, यहाँ पर बिल्कुल बराबर से रख लेंगे। और इसके साइड में हमें दो इंच का हाफ इंच के लगभग फैब्रिक को रखते हुए हमें सिलाई लगा लेंगे। तो हम इसको बिल्कुल बराबर से रख लेंगे और नीचे तक पे हमें सिलाई लगानी है। तो पहले हम इसे यहाँ पे इस तरीके से रखा, रखने के बाद इसको हम बिल्कुल मिला के रखेंगे और हाफ इंच का गैप देते हुए इसमें हमें सिलाई लगा लेनी है। तो मैं आपको इसमें सिलाई लगा के दिखा देती हूँ। तो देखिए हमने इस तरह से रखा है, हाफ इंच का गैप देते हुए इसमें हम सिलाई लगा लेंगे। देखिए इस तरीके से हम पूरे पे सिलाई लगा देंगे। बिल्कुल बराबर से फैब्रिक को रखना है और इसके किनार पे हमें सिलाई लगा देनी है। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसको शेयर भी करिए अधिक से अधिक। तो देखिए इस तरीके से हमने ये पूरे पे सिलाई लगा लेनी है नीचे तक, और इसके जो साइड में है वहाँ पे मैंने इसे फिक्स कर लिया है। यहाँ से हमारा जो थ्रेड वगैरह है वो नहीं निकलेगा। तो सेम ऐसे ही हमें जो दूसरा वाला साइड है उसको भी हमें इसी तरीके से तैयार कर लेना है। देखिए बिल्कुल बराबर से रखते हुए हमें हाफ इंच का गैप देते हुए हमें इसमें नीचे तक इसके जो बॉटम है वहाँ तक सिलाई लगा देनी है। तो देखिए यहाँ तक मैंने कर दिया। यहाँ पे मैं साइड में खुला रखूँगी, तो 5 इंच हमने फैब्रिक को नई सिलाई करनी है। यहाँ से हम रिटर्न कर लेंगे और एक और बार इसमें हमें सिलाई लगा लेनी है। तो देखिए इस तरीके से हम यहाँ पर भी हमें इसी तरीके से सिलाई लगा देंगे। इसका जो बाहर साइड है उधर साइड पर मैंने सिलाई नहीं लगाई है 5 इंच के लगभग। और साइड से देखिए इसे हमने सिलेक्टर को मैंने इसमें सी पे रखा है और लेंथ को मैंने 2 पे रखा है। तो इसे सिलाई कर दूंगी तो ये फिक्स हो जाएगा, थ्रेड वगैरह नहीं निकलेंगे यहाँ से इसके। आप देख सकते कितनी फिनिशिंग आई है। तो देखिए इस तरीके से मैंने सिलाई लगा दी है। सिलाई लगने के बाद ये कुछ इस तरीके से नज़र आएगा। अब इसके बाद हमें इसकी जो है बेल्ट को रेडी करना है। तो अगर आप इस तरीके से बनाओगे तो जो आपकी सिलाई है वो ख़राब भी नहीं आएगी और जो फैब्रिक है वो भी नहीं खींचेगा। तो देखिए अब हमें इसकी बेल्ट को रेडी करना है।
तो बेल्ट के लिए हमें क्या करेंगे, हम ऊपर से हाफ इंच से भी कम फैब्रिक को मोड़ना है, और इसको जो हमने निशान लगाया था 2 इंच पे, वो हमें वहाँ से फैब्रिक को अंदर साइड को इस तरीके से टर्न कर लेंगे। बैक वाला पार्ट जो है वो बड़ा था, तो इसमें हमें थोड़ी सी चुन्नी डालनी पड़ेगी, तो भी ये फिक्स हो जाएगा अच्छे से। तो देखिए इस तरीके से हो चुका है, और हमें इसको बराबर से रखने के बाद आप चाहे तो इस पर आयरन कर लीजिए या फिर आप इस पर पिनअप कर लीजिए, फिर उसके बाद आप इस पर सिलाई लगा सकते हैं। देखिए मैंने हाफ इंच अंदर टर्न किया, टर्न करने के बाद इसको हम यहाँ पे मशीन में सेट करेंगे। सेट करने के बाद मैंने सिलेक्टर को है ई पे रखा है और लेंथ को मैंने 2 पे रखा हुआ है। तो इसे रख के मैंने जो इसमें डिज़ाइन बन के आएगी, तो इसमें मैं पूरे बेल्ट पे इस तरीके से सिलाई लगा दूँगी। बिल्कुल बराबर से रखना है, इसको खींचना विचना नहीं है, आपको लगे कि जहाँ पर फैब्रिक मुड़ रहा है वहाँ पर हम बिल्कुल बराबर से रखेंगे, और थोड़ा थोड़ा करके इसे रखते हुए हमें इसमें सिलाई लगा लेनी है। ये जो बैक वाला पार्ट था वो थोड़ा सा बड़ा था, इसीलिए इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, तो इसको हम बिल्कुल बराबर से रखेंगे। अगर आपको लग रहा हो कि ज़्यादा है तो आप इसमें छोटी सी चुन्नर डाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैं छोटा सा प्लीट डाल रही हूँ, वो ये अंदर साइड को रहेगा, ये नहीं नज़र आएगा। तो देखिए इस तरीके से हमें ये पूरे पे बेल्ट को इसी तरीके से अटैच कर लेना है, और यहाँ पर 2 इंच के लगभग हमें फैब्रिक को छोड़ देना है, क्योंकि हमें इसमें इलास्टिक लगानी है। तो इलास्टिक के लिए मुझे यहाँ पे 2 इंच के लगभग फैब्रिक को छोड़ दूंगी, यहाँ पे फिक्स कर लेना हमें। तो देखिए इस तरीके से मैंने बेल्ट को अटैच कर लिया है। अब हमें इसके जो है पैंट का जो नीचे वाला बॉर्डर है वो तैयार करना है, तो मैं आपको वो भी रेडी करके दिखा देती हूँ। तो देखिए यहाँ से जो हमने कट लगाया था इसको आप पहले रेडी कर लीजिए, या तो आप पहले यहाँ पर सिलाई लगा लीजिए। तो पहले हमने क्रॉच एरिया को सिलाई करनी है, तो क्रॉच को दोनों मिला के रखेंगे इस तरीके से, और हाफ हाफ करके दोनों साइड पे हमें स्टिच कर लेना है इनर लेग को। तो देखिए इस तरीके से रखा मैंने बराबर से, इसको बराबर से मिला के रख लेंगे और हमें इसको स्टिच कर लेना है। तो मैं हाफ हाफ फैब्रिक को लेके स्टिच करूँगी। तो देखिए हाफ यहाँ से हम स्टिच करना स्टार्ट करेंगे। तो हाफ इंच का गैप दिया है मैंने, और इसमें हमें सिलाई लगा लेनी है, जैसा कि आप ये देख सकते हो। देखिए यहाँ पर फिक्स कर दिया, यहाँ साइड से भी हाफ मैंने फैब्रिक को टर्न करने के बाद हाफ तरफ में सिलाई लगा देनी है, सेम ऐसे ही 1 फुट का गैप देते हुए हमें इसमें पूरे पे सिलाई लगा के फिक्स कर लेना है इसको। अब इसके बाद इसका मैंने स्टिच कर लिया, अब हमें जो एक्स्ट्रा थ्रेड है वो हम कट कर देंगे। जो नीचे का जो बॉटम है वो मैं रेडी करूँगी। तो जो बॉटम है देखिए इस तरीके से, जैसे हम कुर्ती की चाक वगैरह बनाते हैं, सेम ऐसे ही ये भी बनेगा। देखिए फैब्रिक अंदर मोड़ना है, फिर एक और बार मोड़ेंगे, और इस पर हमें सिलाई लगानी ली है। बहुत इजी है, आप जैसे आप कुर्ती की चाक बनाते हो वैसे ही ये भी बनेगा, इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए जो मैंने आसन को सिला था, देखिए बिल्कुल सिलाई से सिलाई मिल रही है, आप देख सकते हैं कितनी सही से सिल के आया है ये। अगर आपकी सिलाई और कटिंग सही रहेगी तो ये मिलेंगे दोनों। तो देखिए इसके बाद हमने इसका जो है, जो हमारी पैंट का जो साइड का है किनारी है, उसको हमें देखिए इस तरीके से मोड़ना है, हाफ इंच मोड़ेंगे और इसमें हमें सिलाई लगा लेनी है। तो मैं इसमें आपको सिलाई लगा के दिखा देती हूँ। देखिए फैब्रिक को अंदर से मोड़ दिया है मैंने, और इसमें हमें सिलेक्टर को मैंने ई पे रखा है और लेंथ को मैंने 2 पे रखा है। इसमें हमें इस तरीके से फिक्स करते हुए सिलाई लगा लेंगे इसका। जैसे हम चाक बनाते हैं सेम ऐसे ही हमें ये भी बनाना है, इसमें प्रॉब्लम नहीं होती है। तो देखिए यहाँ तक कर दिया मैंने, यहाँ नीचे तक हमें सिलाई लगा के फिक्स कर लेना है, ताकि ये जो सिलाई है वो खुले नहीं और जो डिज़ाइन है वो भी अच्छी सी लगे। तो देखिए यहाँ तक मैंने स्टिच कर लिया, ऐसे ही दोनों लेग को हम तैयार कर लेंगे, दोनों बॉटम को। अब ये देखिए जो नीचे का है उसको भी हमें हाफ इंच टर्न करने के बाद अंदर मोड़ लेंगे, और इस पर भी हमें सेम ऐसे ही सिलाई करके डिज़ाइन बना लेनी है। अगर आपका नॉर्मल फुट है तो आप नॉर्मल सिलाई भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए इस तरीके से मैंने यहाँ बिल्कुल बराबर से रखते हुए हमें ये पूरा सिलाई कर लेना है, इसके बॉटम को सिल लेना है। तो देखिए इस तरीके से मैंने सिलाई कर दी है, सिलाई होने के बाद ये कुछ इस तरीके से नज़र आएगा आप, जैसा कि आप ये देख सकते हो। तो देखिए मैंने कितना ब्यूटीफुल तरीके से इसमें सिलाई कर दी है, दोनों लेग को, दोनों बॉटम तैयार कर ली है मैंने। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसको मैं सीधा कर लूँगी। सीधा करने के बाद देखिए यहाँ पे हमने ये पर्ल्स लिए हैं, तो इसको मैं इसके साथ रख के अटैच करूँगी। तो मैं आपको एक दिखा देती हूँ, देखिए यहाँ पे मैंने एक नॉट निकाल लेना है और हमें एक नॉट लगा लेनी है पहले। तो देखिए मैंने नॉट लगा लिए हैं, आप पढ़ लीजिए,
इसके बाद हमें इसको साइड से निकाल लेंगे, देखिए कुछ इस तरीके से। इसके बाद हमें इसी तरीके से 2 से 3 बार हमें इसको अच्छे से फिक्स कर लेना है। तो मैं आपको ये फिक्स करने के बाद दिखा देती हूँ। देखिए इस तरीके से मैंने ये तीनों पर्ल को इसी तरीके से अटैच कर लेना है। आप चाहें तो किसी बटन या फैंसी चीज़ का भी यूज़ कर सकते हैं इसको डेकोरेट करने के लिए। अगर आप डेकोरेट नहीं भी करोगे तभी भी ये बहुत ही ब्यूटीफुल लुक आएगा इसका। तो अगर आप इस तरीके से बनाना चाहते हो तो आप ज़रूर इस तरीके की वीडियो बनाइए, सॉरी पैड बनाइए, देखने में ये बहुत अच्छी लगेगी। तो दोनों मैंने ये तीनों मोतियों को इसके अंदर अटैच कर लेना है। तो देखिए इस तरीके से ये मैंने पूरी तरीके से फिक्स कर लिया। आप देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल लग रहा है इसको। इस पर अब हम इस पर आयरन कर लेंगे। तो देखिए इस तरीके से मेरी एंकल लेंथ की प्लाजो पैंट बन के रेडी हो चुकी है, जो कि देखने में बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही है। होप यू लाइक इट। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।